महोबा के एक बीज गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का बीज जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों सहित फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में विद्युत कनेक्शन नहीं है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कोई सवाल ही नहीं उठते। ऐसे में पुलिस आग लगने के पुख्ता कारणों का पता लगाने में जुट गई है। मेरे बेटे की दुकान है मोहम्मद नईम पंजाबी भंडार के नाम से। ये हम घर पे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, उस वक्त जाकिर नाम का एक शख्स आया, उसने कहा कि बगल की दुकान में आग लगी, आप जल्दी भागिए, आपकी दुकान न जल जाए कहीं। हम आए तो यहाँ पूरी तरीके से आग जो है बेकाबू हो चुकी थी, बहुत बाल्टियों से पानी डालने पर भी काबू नहीं आया। बहुत देर के बाद बहुत पूरी महल्ले वालों ने काफ़ी मदद की, जिससे जो है बच गया, बाकी हमारा 10-12 लाख से कम का नुकसान है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इसमें कैसी मेहनत से बच्चों ने हमारे किया, इतना नुकसान हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, होता हो किसका कर्जा देना, कैसे देंगे हम, कहाँ से देंगे। अच्छा, कुछ जानकारी हो पा रही कैसे आग लगी, शॉर्ट सर्किट से कैसे? यहाँ पर पक्की नहीं है, लाइट नहीं है, वहाँ पर बसूल लाके कचरा जलाते हैं, लाके झाड़ू लगाते हैं, फिर कचरा लगाते हैं, उसी के थ्रू वहाँ आग पहुँच गई है। नगर पालिका के जो मजदूर है, कर्मचारी है, वो झाड़ू लगाकर जहाँ भी झाड़ू लगाते हैं वहाँ कचरा जला देते हैं, और जलने के बाद वहाँ बगल में पेटी वेटी और गत्ते रखे थे, उसमें आग लगी, उससे आग लगते लगते यहाँ गई, वो फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई थी? फायर ब्रिगेड पहले नंबर ही नहीं लग रहा था, बहुत देर तक लगाते थे, नंबर नहीं लगा, तो हमने DM साहब को फ़ोन किया, इसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड आ गई, तकरीबन 7 बजे के बाद। सब खाक हो चुका है जी? हाँ, देखिए ना, सब पड़ा हुआ है आपके सामने, आप खुद देखिए ना, हमारे कहने से नहीं, आप खुद देखिए, है ना, सारा खराब पड़ा है, दो पैसे का माल नहीं बचा हुआ, सब बर्बाद हो गया हमारा।